हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और बहुत टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं तहरी बना रही थी तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊँ। देखिए, यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चावल धुलकर भिगो दिया है। उसके बाद मैंने देखिए 250 ग्राम आलू को काटकर धुलकर पानी में भिगोया है। और उसके बाद ये 250 ग्राम मटर है और ये मसाले जो इसमें पड़ेंगे डाले जाएंगे। देखिए, ये मसाले हैं खड़े, ये 6 से 7 लौंग है, ये दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, जायफल और 7-8 दाने काली मिर्च के हैं। और इसके साथ हमें लहसुन और अदरक भी पीसना है। ये एक पूरा लहसुन जो होता है वो है, और 1.5 से 2 इंच ये अदरक है। इन दोनों को मैं मिक्स कर कर सिल पर पीस लूँगी। मैं ज़्यादातर मसाले सिल पर ही पीसती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने का। तो इसे मैं पीस कर फिर आपको दिखाती हूँ। इन दोनों को पीसने के बाद हमें क्या करना है, अब ये देखिए, ये मैंने ये मसाले पीस लिए हैं। और ये मसाला पीसने के बाद इसमें मैं पीसी हुई धनिया 1 चम्मच और छोटा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और छोटा आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी आधा चम्मच मिलाऊंगी, बड़ा आधा चम्मच हल्दी मिलाऊंगी। तो मिलाकर मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी। तो उसके बाद अब देखिए हमें क्या करना है। ये इतने मसाले हमारे रेडी हो गए। अब ये मैंने पतीली जो है चढ़ा दी है। अब हमें इसमें तेल डालना है, 3 बड़े चम्मच लगभग तेल डालेंगे, ये पानी सूख जाएगा उसके बाद, कि इसमें हमें आलू और मटर दोनों फ्राई करने हैं। तो ये पानी सूख रहा है, यहाँ देखिए ये मैंने मसाले डाल दिए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैं पानी डाल दूँगी थोड़ा। और ये प्याज है हमें लेनी है, एक बड़ी प्याज, मीडियम साइज़ की नहीं, एक बड़ी प्याज लेनी है, इसे मैंने काट लिया है। और ये देखिए मैंने तेल में जो है तेल 3 बड़े चम्मच तेल डालने के बाद आलू डाल दिया है, और आलू के बाद मटर दोनों एक साथ मैं फ्राई करूँगी। अच्छे से इसका पानी सूख जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। इसको तलने के बाद जो जब मैं इसे निकाल लूँगी तो जो तेल बचेगा उसी में ही हमें प्याज लाल करनी है। हम एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लेंगे, तेल एक्स्ट्रा और नहीं डालेंगे, वो जितनी हमें तेरी बनानी है उस हिसाब से हो जाएगा। ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया, अब ये देखिए तेल बच गया है, इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ। तो प्याज ये है, ये मैं डाल देती हूँ इसमें। अब इसके बाद इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, और इसके साथ ही तेज़ पत्ता भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है, ये मैं तो डालती ही डालती हूँ, तो मैंने डाल दिया। उससे टेस्ट और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और प्याज मेरी हमारी लाल हो रही है। तेरी तो बहुत ही जाड़ों में तो बहुत ही टेस्टी लगती है, मटर के साथ, हरी मटर के साथ, और सबको ही पसंद आती है। तो मैं बना रही थी, मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपसे शेयर करूं। और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, प्याज लाल हो गई है, अब ये देखिए ये मसाले हैं, मैंने पानी डाल दिया है मसालों में। प्याज हमारी देखिए लाल हो गई है लगभग। अब हम इसमें मसाले डालेंगे जो मैंने अभी दिखाया था मसाले, देखिए ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब मसालों में हमें नमक भी डालना है। मसाले जब तक भूनेंगे जब तक हमारा ये पूरा बिल्कुल मसाले में से तेल ना छूट जाए तब तक भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। मसाले बिल्कुल लगने लगते हैं तब तक हमें भूनना है। ये मसाले हमारे भून रहे हैं, अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक मैंने यहाँ पे बराबर चम्मच नमक डाला है, ये बाद में मैं टेस्ट करके अगर फीका होगा तो मैं इसमें और भी डाल दूँगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपको रखना है कि कितने तेज़ और कम कितना कैसे खाते हैं। और इसमें मैं बड़ा 1 चम्मच घी भी डालूँगी, देखिए ये घी है, मैं घी भी डालूँगी। ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन रहा है।
अब ये जो आलू मटर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है वो मैं इसमें डाल दूंगी। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है तो आलू मटर जो डालना है हमें उसे डाल देते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें, और मैं पानी आपको बता दूं कि इसमें कितना डालेंगे। ये जो 1 लीटर की बॉटल होती है उसका आधी बॉटल हमें पानी डालना है। मैंने पानी देखिए अभी यहाँ तक लिया हुआ है, लेकिन मैं जहाँ पर आपको निशान दिखा रही हूँ तो मैं वहाँ तक पानी भर कर डालूँगी उसमें। तो अब देखिए हमें इसमें, मैं आलू और मटर इसमें ऐड कर दूँगी। ये ऐड हो गया है। अब इसे अच्छे से 1-2 मिनट चलाने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो आधी बॉटल जो 1 लीटर की बॉटल होती है उससे हम पानी डालेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद देखिए ये मसाला हमारा नीचे लग भी गया है, बहुत अच्छे से भुन गया है मसाला। अब इसमें हम पानी जो हमारी बॉटल में था वो हम डाल देंगे। आधी बॉटल हमें, नेट आधी बॉटल पानी डालना है। जो भी मैंने अभी जो भी चावल और सब मसाले जो भी बताए हैं उस हिसाब से हमें आधी बॉटल पानी डालना है। अभी मैं इसमें और पानी डालूंगी क्योंकि बॉटल में मैंने थोड़ा कम पानी भरा था। इसमें और पानी मैं डाल देती हूँ। ये डालने के बाद अब हमें इसे तेज आंच पर ढक कर रख देना है पानी खौलने तक। पानी खौलेगा उसके बाद हमें चावल डालना है, और जब चावल हमारा पकेगा उसमें तो हमें नमक टेस्ट कर लेना है। अगर आपको फीका लगता है तो आप और डाल सकते हैं। अब देखते हैं, ये हमारा पानी खौल गया है, ये देखिए खौल रहा है। अब हमें ये जो भीगा हुआ चावल है मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मैं पूरा डाल देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसमें पूरा चावल डाल दिया है। अब इसे हम इसी तरीके से छोड़ देंगे, धीमी धीमी आंच पर ये पकेगा। धीमी आंच कर देते हैं, और धीमी आंच पर पकते पकते जब तक इसमें थोड़ा पानी बचता है, थोड़ा पानी रह जाएगा तब हम इसे दम पर करेंगे। और बीच में 1-2 बार हम इसे देख लेंगे, चला लेंगे। इसे मैं थोड़ा आधा खुला हुआ ढक देती हूँ। अब ये देखिए ये हमारा थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, अब हमें इसे दम पर करना है। थोड़ा सा और सूख जाए पानी, बहुत ज़्यादा नहीं पानी रहना चाहिए वरना फिर गीला हो जाएगा। ये देखिए इतना रहना चाहिए। अब हमें इसे चलाकर ढक देंगे। अब 10 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे कि चावल कितना हमारा गल गया है। 10 मिनट हो गए, ये देखिए ये हमारी तहरी कितनी अच्छी, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी, और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और 90% ये बन गई है, 10% हमें इसे 5 मिनट और रहने देंगे। ये देखिए यही कलर जो मेन होता है ये तहरी का, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी, और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और इसे हम ठीक से चला देंगे। अच्छे से चलाने के बाद मैं इसे 5 मिनट बस और धीमी आंच पे ढककर पकने दूंगी कि जो भी कसर बाकी है चावलों में या आलू में तो वो पूरी हो जाए। अब इसे मैं ढक देती हूँ, और 5 मिनट के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। अब हम मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी तेरी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, खाने के लिए तैयार है। और बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही कलर देखिए कितना प्यारा है। और मैं आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ। ये आप चटनी के साथ, टमाटर के साथ, मूली, प्याज, अचार सबके साथ आप खा सकते हैं, आपको जैसे भी खाना हो। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आप भी बनाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और ये हमारी टेस्टी तहरी बनकर तैयार है, और आप भी बनाइए।